छिंदवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गौरैया में विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली से परेशान ग्रामीण आज सुबह 6 बजे से ही तालाब में अर्धनग्न होकर जल समाधि लेने की धमकी डाली, जिसमें माहौल गर्म हो गया। किसान किसी के समझने पर मानने को तैयार नहीं थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसानों का कहना यह है कि गौरैया डैम मात्र 2 गांव के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें अन्य गांव के लोगों ने बड़ी बड़ी मोटर डाल दी, जिससे नहर का सारा पानी उनके खेतों में जाने लगा और गांव तक पानी पहुंचना ही बंद हो गया। यही नहीं, विद्युत मंडल ने इन अवैध मोटरों को अनुमति भी दे दी। इन मोटरों के कारण ग्राम पंचायत गौरैया एवं महेंद्रवाड़ा के लोगों को गेहूं के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जिससे किसानों की फसल पूरी चाइन नहीं हो पाती है। गाँव नहीं पकड़े पानी, कहते पूरा सूख जा रहा है तालाब को, कहते हमारी गाँव कुछ नहीं पकड़े, लागत नहीं कर रही कुछ भी पानी। जे हम ही बारे ने धल जी टाड़े बारे ने मोटर गाँव की उनकी मोटर निकलने चाहिए, निकलने चाहिए। और हमारे गाँव के कहते जितनी मोटर भी चलने चाहिए, जितने गाँव का दिए 2 गाँव को मेहनबाड़ बारे और गोरैया बारे पर बगान चाहिए। आज हम गौरैया तालाब में जल समाधि लेने के लिए पूरे ग्रामवासी गौरैया और महेंद्रवाड़ा समस्त पहुँचे, और इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि शासन प्रशासन को हमने पहले ही ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारी जनन समस्या है कि हमारा सिर्फ 2 ही गाँव का तालाब का पानी है गौरैया और महेंद्रवाड़ा के लिए बनाया गया। इसमें तीसरे गाँव खामी द्वारा मोटर 25 से 30 संख्या में हर साल ले जा रहा है पानी, और हमारी गेहूँ नहीं पक पा रही, ना हमारा लागत निकल पा रही। हम बहुत परेशान हैं, हताश हैं। हम काफ़ी दिन से 15 से 1 महीना हो गया है, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस काम को लेके चल रहे थे, पर हमको आज उग्र आंदोलन करने में हम उतारू इसलिए हुए क्योंकि हमारी बात कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई, ना किसी के पास से हमको समझाइश दी गई कि आप हमारी बात सुने समझी। हमको ज्ञापन देने के बाद भी हमारी बात को कुछ निराकरण नहीं हो पाया। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।